तो उधर इनकार्नेटेड एम्प्रे के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि साइन जब उस सिल्वर नाइट ग्रास पर बोली लगाना स्टार्ट किया था, तब जुनमिन भी साइन को नीचा दिखाने के लिए खुद भी उस सिल्वर नाइट ग्रास पर बढ़ चढ़ कर बोली लगाने लगा था, जिससे वह बोली आखिरी में बढ़कर 60 मिलियन गोल्ड कॉइन तक पहुंच गई थी, जो किसी और ने नहीं बल्कि हमारे साइन ने लगाई थी। और अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एल्डर चैन को देखते हैं, जो बोल रहे थे कि अगर किसी को इससे बड़ी बोली नहीं लगानी है तो मैं इसका काउंटडाउन स्टार्ट करता हूँ। तो 60 मिलियन 1, 60 मिलियन 2 और 60 मिलियन 3, जिसके साथ यह सिल्वर नाइट ग्रास साइन का होता है। जिसके बाद हम जुनमिन को देखते हैं, जो साइन से बोल रहा था कि क्या तुम्हारे पास सच में 60 मिलियन गोल्ड कॉइन है, और अगर है तो तुमने उसे अपने साथ कैरी कैसे किया रखा है, क्योंकि 60 मिलियन गोल्ड कॉइन तो बहुत सारे कॉइन होते हैं। जिस पर साइन बोलता है, हाँ 60 मिलियन गोल्ड कॉइन तो बड़ा अमाउंट है, लेकिन बस तुम्हारे लिए, क्योंकि मेरे पास तो इससे भी ज्यादा है। जिसकी बातों से जुनमिन चिढ़ जाता है, और तब तक साइन का सिल्वर नाइट ग्रास भी वहां पर आ चुका था, जिसके पेमेंट के तौर पर साइन 60 मिलियन गोल्ड कॉइन की जगह कुछ रेयर मटेरियल देता है, जिसे यूवी जब चेक करती है तो वह साइन से गोल्ड कॉइन का डिमांड करती है, क्योंकि बात तो यहाँ पर गोल्ड कॉइन की हुई थी, ना कि किसी रेयर मटेरियल की। जिस पर साइन उसे वह टोकन दिखाता है जो उसे जिया ने दिया था, जिसकी वजह से उसके पास ये परमिशन था कि वह किसी भी ट्रेजर को जब ट्रेजर चैम्बर में एक्सचेंज करेगा तो उसके बदले में ट्रेजर चैम्बर को उसे उस ट्रेजर की असली कीमत के हिसाब से साइन को गोल्ड कॉइन देने पड़ेंगे। तो जुनमिन जब साइन के हाथों में वह टोकन देखता है तो वह काफी शॉक हो जाता है, और सोचता है कि यह तो बस एक मामूली इंसान है और इसके पास यह टोकन क्या कर रहा है, जरूर इसने किसी से चोरी किया होगा। तो जुनमिन यूई को बोलने लगता है कि यहाँ पर साइन जरूरी चोर है, क्योंकि यह टोकन किसी भी आम बंदे को नहीं मिल सकता, यह टोकन बस किसी एल्डर और बहुत ही एक्सट्रीमली टैलेंटेड बंदे को ही दिया जाता है। जिसकी ये बातें सुनकर साइन गुस्से में जुनमिन को बोलता है, तुम बस करो, तुमने बहुत बोल लिया, मैं चोर नहीं हूँ और ये टोकन मुझे खुद इस ट्रेजर चैम्बर हाउस ने दिया है। जो बात इतनी बढ़ जाती है कि लास्ट में साइन और जुनमिन फाइट करने को आ गए थे, और देखते ही देखते जुनमिन साइन पर एक अटैक करता है, लेकिन साइन भी यहाँ पर किससे कम था, वह भी अपने पंच से उस अटैक को काउंटर करता है। जिन दो बंदों के अटैक के लगते ही वहाँ पर एक पावरफुल ऑरा रिलीज होता है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ पर जुनमिन QI बिल्डिंग स्टेज का कल्टीवेटर है और साइन बस अभी सोलिदम स्टेज लेवल 6 का ही कल्टीवेटर था, जिसकी वजह से उन दोनों के कल्टीवेशन में काफी बड़ा गैप था। लेकिन यह फाइट इससे आगे बढ़ पाता उससे पहले ही वहां पर जिया आ गई थी, जो साइन और जुनमिन को बोलने लगती है कि तुम दोनों फाइट करना बंद करो, क्या तुम लोगों को पता नहीं है इस ट्रेजर चैम्बर हाउस में किसी का भी फाइट करना मना है, और तुम लोग मेरे ही सामने फाइट कर रहे हो। और रही बात उस टोकन की, तो साइन को मैंने खुद वह टोकन दिया है, क्योंकि उसके पास ऐसी स्किल है जो किसी और के पास नहीं हो सकती, और साथ ही वो इतना टैलेंटेड भी है। तो बताओ जुनमिन, क्या अभी भी तुम फाइट करोगे? पर जुनमिन यहाँ पर किसकी सुनने वाला था, वह अभी भी फाइट करने को तैयार था। जिनके फाइट को दूर से वहाँ पर लिंग्यू और लिंक्सी भी देख रही थी, तो लिंग्यू लिंक्सी से बोलने लगती है कि यहाँ पर काफी शोर मच चुका है और मैं अब नहीं चाहती कि यहाँ पर एक सेकंड भी और रुकूं, इसलिए हम लोग को चलना चाहिए। जो बोलकर वह लिंक्सी के साथ वहाँ से चली जाती है। जिनको यहाँ से जाता हुआ देख अब जुनमिन भी शांत हो जाता है और बोलता है कि ठीक है साइन, मैं तुम्हें यहाँ छोड़ देता हूँ, और यह सिल्वर नाइट ग्रास भी तुम्हारा हुआ। वैसे भी यह ऑक्शन मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ खास ट्रेजर ही नहीं थे। जो बोलकर वह वहां से चल देता है, जिसके जाने के बाद साइन जिया से बोलता है, मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरी वजह से यहाँ पर इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी और आपको इसके लिए परेशान होना पड़ा। जिस पर जिया बोलती है, अरे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, वैसे भी हम दोनों दोस्ती तो हैं। जिसके दिखाते ये सीन यहीं पे कट हो जाता है, और अब हमें साइन को उसके घर की ओर जाता हुआ दिखाया जाता है, जहाँ पर जब वह जा रहा था तो वह अपने घर के सामने टीचर यून को खड़ा हुआ पाता है, जो उसका ही काफी देर से इंतजार कर रही थी। जिनको खड़ा हुआ देख साइन फटाफट उनके पास जाता है और उनका हालचाल पूछने लगता है, पर टीचर यून से बोलती है कि हम लोग ये बातें बाद में करेंगे, मैं तुम्हें यहाँ पर बताने आई हूँ कि डीन सुन तुमसे मिलना चाहते हैं, और वह भी एक इम्पोर्टेंट मैटर के लिए। तो साइन और टीचर यून फटाफट डीन सुन की ओर निकल जाते हैं, जहाँ बीच रास्ते में टीचर यून साइन को बता रही थी कि यहाँ पर मेरा प्रैक्टिस सीजन चल रहा है, जिसकी वजह से मैं एक साल तक कहीं भी बाहर नहीं जा सकती, तो इसलिए तुम्हें खुद इस बार हॉल ऑफ स्टार में जाना पड़ेगा। जो बात जानकर साइन हैरान तो होता है, पर वह इसका रिएक्शन दे पाता उससे पहले ही वह अपने सामने डीन सुन को देख लेता है, जिनसे वहाँ पर एल्डर क्यान और यफई बात कर रहे थे। जो लोग साइन को डीन सुन के पास आता हुआ देख उनसे विदा लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। जिन दो बंदों को साइन जूनियर होने की वजह से उन्हें ग्रीट भी करता है, पर वह दोनों साइन को फुल्ली इग्नोर करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। जिनके जाने के बाद साइन डीन सुन के पास जाता है और बोलता है कि मैंने सुना कि आपको मेरी हेल्प चाहिए, तो बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ।
जिस पर डिन सुनसान को बोलते हैं कि इस साल तुम्हें हॉल ऑफ स्टार में जाना पड़ेगा, जहाँ के मौजूद स्टेरी रिवर से तुम्हें स्टेरी लिक्विड लाना पड़ेगा। जो बात सुनकर सैन एक समय के लिए थोड़ा हैरान हो जाता है और कुछ देर सोचने के बाद डिन सुन से पूछता है कि यहाँ पर हमारे स्टार एकेडमी में भी एक स्टेरी रिवर है, तो भला उस हॉल ऑफ स्टार में भी कैसे स्टेरी रिवर हो सकता है। जिसकी ये बातें सुनकर डिन सुन स्टार एकेडमी के हिस्ट्री को रिवील करते हैं। बोलते हैं कि जो हमारे एंसेस्टर थे वह एक बार हॉल ऑफ स्टार में जा चुके हैं, जहाँ पर उन्हें असली स्टेरी रिवर मिला था। जिस स्टेरी रिवर को वह लोग देख कर क्यूरियस हो जाते हैं, तो वह लोग इसे एक्सप्लोर करने के लिए इस रिवर के और भी गहराई वाले हिस्से में गए थे, जहाँ पर उन्हें एस्ट्रल स्टोन मिला। जो स्टोन इतना पावरफुल था कि वह उस स्टेरी रिवर के कुछ हिस्से को हमारे स्टार एकेडमी में लाने में सफल हो गए, जो आज हम लोग देख पा रहे हैं। जिस बात के बीते हुए हजारों साल से भी ज्यादा समय हो चुका है, जिसकी वजह से उस एस्ट्रल स्टोन की स्पिरिचुअल एनर्जी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी स्टार एकेडमी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जो ना हो जाए इसलिए मैं तुम्हें उस हॉल ऑफ स्टार में भेज रहा हूँ, ताकि वहाँ के मौजूद स्टेरी रिवर का तुम कुछ स्टेरी लिक्विड हमारे पास ला सको, जिसकी वजह से हम वो एस्ट्रल स्टोन को वापस से रिचार्ज कर सकें। जिनकी ये बातें सुनकर सैन उनसे सवाल करता है कि मैं तो बस एक सोलिदम स्टेज लेवल 6 का कल्टीवेटर हूँ, और आप मुझे इतना बड़ा काम कैसे दे सकते हैं? अगर मैं इसमें फेल हो गया तो यह पूरी स्टार एकेडमी इसमें डिस्ट्रॉय हो सकती है। जिसकी बातों को सुनकर डीन सुन उसे बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम ट्रीइनकार्नेशन ड्यूरेबिलिटी टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहे हो, जिसकी वजह से जब तुम उस हॉल ऑफ स्टार में मौजूद स्टेरी रिवर में एंटर करोगे तो तुम वहाँ के मौजूद एक्सटेंसिव प्रेशर को बहुत ही आसानी से सह लोगे। और वैसे भी इस मैटर में मैंने बस दो लोगों की मदद ली है, एक तुम हो गए और एक यफई, जिस बंदे को हमने कुछ देर पहले उस एल्डर के साथ जाता हुआ देखा था, जो बंदा इस किंगजाओ सिटी का सबसे टैलेंटेड बंदा था, क्योंकि उसके पास भी कोई टेक्निक है जिसकी वजह से वह प्रेशर को कंट्रोल कर सकता है। और साइन, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे कभी भी निराश नहीं करोगे, तो जाओ अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। लेकिन यहाँ पर साइन के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वह सोच रहा था कि कैसे वह अपना नाम स्टेला पर सबसे टॉप पर लिख पाएगा, उस मार्शल किंग से भी ऊपर, जिससे वह फाइनली डिसाइड करता है कि वह उस हॉल ऑफ स्टार में जाने से पहले अपना नाम सबसे ऊपर उस स्टेला पर लिख कर जाएगा, और साथ ही में वह मार्शल किंग का भी रिकॉर्ड तोड़ देगा। जिसके बाद हमें उस टेला को दिखाया जाता है, जहाँ पर पहले जैसे ही बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे, जो लोग बातें कर रहे थे कि यहाँ पर क्या कोई मार्शल किंग का रिकॉर्ड तोड़ पाएगा। जो लोगों ने यह बातें बोली थी कि तभी हम वहाँ पर साइन को आता हुआ देखते हैं, जो इस बार पूरा कॉन्फिडेंट था कि वह इस बार अपना स्टेला पर नाम लिख कर ही जाएगा, वह भी सबसे टॉप पर, जो देखते ही देखते उस टेला के काफी करीब जाने लगता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर काफी एक्सटेंसिव प्रेशर लगने लगता है। पर साइन इसकी बिना परवाह किए हुए अपनी पावर को अनलीश करते हुए अपना नाम उस टेला पर लिखना स्टार्ट कर देता है, जिसमें उसे काफी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है, पर वह इस बार बिना हार माने हुए अपनी कोशिश जारी रखता है, जिससे कुछ देर मेहनत करने के बाद वह अपना नाम सबसे टॉप पर लिखने में सफल हो जाता है। जिसको ऐसा करता देख वहाँ पर मौजूद लोगों को अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि कैसे साइन ने यहाँ पर मार्शल किंग का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जिसके साथ ही हम मार्शल किंग को देखते हैं, जो इस किंगजाओ सिटी में आ चुका था, क्योंकि इस हॉल ऑफ स्टार में जाने का रास्ता जल्द ही खुलने वाला था, और इस टाइम तक मार्शल किंग की कल्टीवेशन लेवल रीबर्थ स्टेज के लेवल 3 पर पहुंच चुकी थी। जिसको यहाँ पर आता हुआ देख वहाँ पर सभी वू फैमिली के मौजूद डिसाइपल मार्शल किंग को ग्रीट करते हैं, जिसके दिखाते एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है।